तो प्यारे बच्चों देखते हैं आज अपन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का क्या प्रोसेस है, एडमिशन एंड अदर कब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं, टोटली सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। ओके एंड इसका क्या अपडेट है एडमिशन से रिलेटेड, हालांकि मेरिट लिस्ट फर्स्ट जो है सिलेक्शन लिस्ट रिलीज कर दी गई है सीयू हरियाणा की तरफ से। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं यार जिनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं है सीयूईटी से रिलेटेड कि किस मार्क्स पे हमारा एडमिशन होगा कि नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके लो मार्क्स है, काफी लो मार्क्स है, उनका सीयूईटी में एडमिशन हो सकता है अगर वो प्रॉपर हम जैसे बताएं वैसे अगर चले तो। काफी लो मार्क्स पे भी उनको जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी और अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजों में ऑप्शन आ सकते हैं। इसके साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज भी हमारे पास ऐसे हैं जहाँ पे जो है डायरेक्ट एडमिशन अवेलेबल है। बीटेक सीएससी के अंदर कुछ सीटें जो है एनटीए जैसे कंडक्ट कराता है एडमिशन। कुछ बच्चे दौसा, जेक दिल्ली, अरीब, राजस्थान, मेनी मेनी आई के जीपीटी वगैरह में चले जाते हैं। तो जो वहाँ पे सीट वैकेंट रह जाती है तो आप सभी लोग जो वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया गया, वहाँ पे आप जो भी है डिटेल के लिए डिस्कस कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। साथ में सीयूईटी के लिए हमारा सी इंडिया का सबसे बेस्ट सीयूईटी काउंसलिंग प्लेटफॉर्म रिलीज कर दिया गया। ओनलीफॉर 1499 रुपये में आपकी कंप्लीट सीयूईटी की काउंसलिंग की जाती है टोटल सारे कॉलेजों के लिए। जैसे भी आपको सीयू हरियाणा में आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एडमिशन होगा कि नहीं होगा, तो आप लोग जो है जरूर से ज्वाइन कर सकते हो यार। ओनलीफॉर 1499 रुपये में कंप्लीट एडमिशन है। अब देखते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की अगर अपन देखें वेबसाइट तो काफी ज्यादा स्लो चल रही है, हालांकि देख सकते हो वेबसाइट अभी ओपन ही नहीं हुआ है। ठीक है तो यार हाँ, यहाँ पे आपको जो है एडमिशन सेक्शन पे जाना है। ठीक है, जैसे ही आप एडमिशन सेक्शन पे जाते हो फिर से आपको जो है दूसरे दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट कर देता है। आपको यहाँ पे यूजी एंड पीजी का एडमिशन शेड्यूल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट काउंसलिंग मेरिट लिस्ट रिलीज कर दी गई है। ठीक है, ऑलमोस्ट जो ब्रांचेज है उनकी आ चुकी है। यहाँ पे देख सकते हो इतने सारी ब्रांचेज है, यहाँ तक कि बीटेक सीएससी की भी आ चुकी है। तो किन किन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है देख लेते हैं। चलो भाई ओ माय गॉड, सो देख सकते हो अमन कुमार, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। ओबीसी कैटेगरी से बच्चा था, जनरल के थ्रू गया है, एडमिशन इसको मिला है 477.96 मार्क्स के बेसिस पे। इन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में सीएससी ब्रांच ग्रैंड किया है। तो आपको यार बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन अमन कुमार, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में पढ़ने के लिए आ रहे हो। टोटली अगर अपन बात करें तो यार देख सकते हो यहाँ पे ये जितने भी सीटें हैं, ठीक है, टोटल कितने बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है, तो 25 जो बच्चे हैं टोटल। ठीक है, ये पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बच्चा है। ठीक है, सॉरी सॉरी वन सेकेंड, ओके। तो यार जनरल कैटेगरी के अंदर जो है टोटल 25 बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, आप काफी सारे देख सकते हो ये जो बच्चा है। ठीक है, जनरल पीडब्ल्यूडी, लेकिन इसकी कैटेगरी जो है जनरल थी, 181 मार्क्स लेकर आए हैं जो कि वेल एंड गुड है। ठीक है, तो इसको जो है जनरल के वो पीडब्ल्यूडी बेसिस पे सीट दिया गया है। ठीक है, ये जनरल कैटेगरी वाले बच्चे थे। उसके बाद ओबीसी के जितने भी बच्चे हैं देख सकते हो ओबीसी की एक सीट इसको 273 पर लोड हुई है। ओके, सो ओबीसी वालों का जो कट ऑफ रहा है वो 351 रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यार एससी कैटेगरी वाले, तो एससी वालों में देख सकते हो 306 पे छूटा है कट ऑफ। उसके बाद अगर अपन एसटी की बात करें तो यार एसटी जो है 214 पे छूटा है कट ऑफ। ठीक है, हालांकि मैं आपको बता दूं कि जिन भी बच्चों के टिल काफी कम लो मार्क्स है, हमारा सीओटी एडमिशन प्लान ओनली फॉर 1499 रुपए का है। सीओटी की जो काउंसलिंग यार काफी चलेगी, अभी फर्स्ट राउंड आया, सेकंड राउंड भी आएगा। ये जो बच्चे हैं जरूरी नहीं है सबका एडमिशन कंफर्म ही हो जाए, आपको भी बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। जो भी स्टूडेंट यार अपना एक सिक्योर एडमिशन चाहता है जरूर से सीओटी एडमिशन गाइडेंस प्लान जरूर एनरोल कर सकता है। 24 आवर्स लाइव सपोर्ट आपको दिया जाता है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको पिछले 5-6 महीनों से हम अपना गला फाड़ फाड़ के बोल रहे हैं कि भैया आपको जो सर्टिफिकेट है कैटेगरी का वो अप्रैल 2022 के बाद का होना चाहिए, लेकिन अभी भी बच्चे हमारे पास 2016, 2017, 2015, 2013 का जो पास सर्टिफिकेट हमारे पास सेंड कर रहे हैं, जो कि यार काफी ज्यादा गलत है। आपको जो सर्टिफिकेट है वो न्यू रिन्यू कराना है। जिन बच्चों ने अभी तक बनवाया नहीं है उनको क्या करना है क्या नहीं करना, वो सारे के सारे हमारे सीयूटी पेड काउंसलिंग प्लान में आप ले सकते हो। इंडिया की सबसे बेस्ट काउंसलिंग हम लेकर आए,
ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कट ऑफ देख सकते हो 376 रहा है। अब यार एससी कैटेगरी में जो बच्चा है, काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके 200 मार्क्स हैं जनरल कैटेगरी के अंदर, ओबीसी कैटेगरी में, तो यार उनका भी एडमिशन हो सकता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ सीएससी ब्रांच की, तो सीएससी ब्रांच की जो सीटें हैं वो ऑलमोस्ट ऐसे मान के चलो कि इन बच्चों में से एटलीस्ट 97 का तो नहीं हो सकता, 93% बच्चे यहाँ पर फीस सबमिट कर देंगे, डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे, बिकॉज जस्ट लाइक सीएससी ब्रांच की काफी ज्यादा डिमांड है और वो बहुत ही कम कॉलेजों में जो है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में आपको ये मिलती है, तो इसमें थोड़ा ज्यादा वो रहता है इशू। ठीक है, उसके बाद अगर अपन अदर ब्रांचेस की बात करें, इनमें बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे कि जो अब देखते हैं अदर, जस्ट लाइक कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का क्या कट ऑफ रहा है। भाई भैया आपको जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है वो हमें एडमिशन मिल सकता है कि नहीं, हमारे काफी लो मार्क्स है, राइट? देख सकते हैं यार ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो कट ऑफ है यहाँ पे लास्ट डेट 7 तारीख दी गई है। ठीक है, सीएससी वालों के बच्चों के लिए कितनी तारीख दी गई है लास्ट डेट आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, जैसे कि 4 तारीख को डिक्लेयर हुआ है, आपको 7 तारीख लास्ट डेट है इन बच्चों को एप्लीकेशन जस्ट लाइक वो भी अपनी फीस वगैरह सबमिट करने का। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी 7 तारीख लास्ट डेट दिखाई गई है, तो यहाँ पे साफ साफ दिया गया कि आपको फिजिकली अभी नहीं आना है, जल्दी आपको फिजिकली बुलाया जाएगा। अब काफी सारे बच्चों का ये भी सवाल रहता है कि भैया फिजिकली कैसे जाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है, तो यार सारा का सारा प्रिपेयर कराया जाता है हमारी टीम के द्वारा, तो सीयूटी गाइडेंस प्लान में आप सारे लोग जरूर से एनरोल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, एक पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया गया, आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी सारी की सारी अपडेट डाली जाती है। यहाँ पे देख सकते हो यार जो भी जनरल कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनका जो कट ऑफ रहा है वो 241 रहा है प्रिंटिंग के लिए, ओबीसी वालों के लिए 190 रहा है, एससी वाले बच्चे जो है 198, ओके, उसके बाद एसटी वाले बच्चे 123 मार्क्स रहा है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के लिए कट ऑफ, ओके, उसके बाद जस्ट लाइक सिविल इंजीनियरिंग काफी अच्छा इंजीनियरिंग माना जाता है, बहुत सारे बच्चों का इंटरेस्ट भी रहता है कि भैया हमको तो सिर्फ इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है, बीटेक में एडमिशन लेना है, तो यहाँ पे भी कट ऑफ काफी ज्यादा हाई गया है। यहाँ पे देख सकते हो जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए कितना रहा है भैया, ठीक है, तो यहाँ पे 181 मार्क्स रहा है। ठीक है, ये ईडब्ल्यूटी है, सॉरी 295, ठीक है, 281, 181। ओबीसी वाले बच्चों के लिए 253, ओके, एससी वाले बच्चे 241, एससी वाले बच्चे 231, एसटी वाले बच्चे 155, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे 245। ठीक है, तो अभी यार कट ऑफ लंबा चलेगा, ऐसा नहीं है कि ये लास्ट राउंड है, अभी तो ये स्टार्ट हुआ है, ये तो फर्स्ट राउंड है, अभी काफी सारे राउंड आने बाकी है। स्पोर्ट एडमिशन में काफी लो मार्क्स तक एडमिशन हो जाता है, जिन भी बच्चों के काफी लो मार्क्स है, ठीक है, जिनको अभी सांत्वना नहीं है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा परेशान है, वो मुझसे पर्सनल गाइड कर ले सकते हैं, ठीक है, पर्सनल वन टू वन डाउट सोल्व कर सकते हैं कि भैया हमारा होगा कि नहीं होगा, तो उसके लिए हमारा सीयूटी गाइडेंस प्लान चलता है, उसमें जरूर से एनरोल कर सकते हो। जनरल कैटेगरी में यार 231 रहा है इलेक्ट्रिकल का, ओबीसी कैटेगरी की अगर अपन बात करें तो यार ओबीसी वाले बच्चों के लिए 259, एससी वाले बच्चे 281, उसके बाद जस्ट एसटी वाले जो बच्चे 201, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे 311। ठीक है, इस प्रकार से 7 तारीख तक आपको लास्ट सबमिट करने हैं। काफी सारे बच्चों जो ऑलमोस्ट अगर मैं बताऊं तो यार बीटेक सीएससी के बाद में जो ब्रांच होती है बच्चों का इंटरेस्ट वो होती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ओके। अगर अपन बात करें यार बी वॉक, इसके अंदर मैंने 2020 में देखा था कि एक बच्चे का मैंने -3 पे एडमिशन कराया था, ठीक है, -3 मार्क्स पे, और अभी भी इस साल भी मेरे को लगता है कि करा पाऊंगा मैं, ओके। कट ऑफ की अगर अपन बात कर लेते हैं क्या क्या कट ऑफ गया है, ओबीसी कैटेगरी में सॉरी जनरल कैटेगरी में 180 है, ओबीसी कैटेगरी के अंदर अगर अपन बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में 148 है, एससी कैटेगरी की मैं बात करूँ तो 142 है, एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करें तो यार एसटी में 153 पे भी एडमिशन हुआ है, तो जो कि काफ़ी सॉरी एसटी में 104 पे हुआ है, ईडब्ल्यूएस में 153 पे हुआ है। जिन भी बच्चों के यार लो मार्क्स है, काफ़ी लो मार्क्स है, अगर वो सच में किसी एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं देन वो नीचे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, साथ में पर्सनलाइज सीयूटी काउंसलिंग प्लान भी ले सकते हैं जो कि इंडिया का सबसे कम प्राइस पे आपको अवेलेबल कराते हैं, इंडिया बेस्ट काउंसलिंग प्लेटफॉर्म, दिस इज पावर्ड बाय इंजीनियरिंग वाला, जरूर से जाके ज्वाइन कर सकते हो।